उदाहरण दो, एक किताब 10% की छूट पर 45 रुपए में बेची गई, किताब पर कितना मूल्य छपा होगा? उदाहरण दो, हल। प्रश्न में हमें दिया गया है कि किताब पर 10% की छूट है, तो हम क्या कहेंगे? 10 रुपए की छूट 100 रुपए अंकित मूल्य पर। यदि 100 रुपये अंकित मूल्य पर 10% की यदि हम छूट कहते हैं, तो हम कहेंगे 10 रुपये की छूट 100 रुपये अंकित मूल्य पर। तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। इस स्थिति में उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? उसका विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100 ऋण 10, यानी कि अंकित मूल्य माइनस उसमें हम ऋण कर देंगे कितना, छूट को, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 90 रुपये। अब यदि हम तुलना करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? तुलना करने पर हम देख सकते हैं कि किसकी किसकी हम तुलना करेंगे, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य की। तो विक्रय मूल्य जब 90 है, तब अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपये। और प्रश्न में हमें विक्रय मूल्य कितना दिया है? 45 रुपये। तो हमें यह ज्ञात करना है कि 45 रुपये विक्रय मूल्य की स्थिति में अंकित मूल्य कितना होगा। इसके लिए हम जबकि जमा लेते हैं कि जब किताब 90 रुपये में बेची जाती तो उसका अंकित मूल्य कितना होता? 100 रुपये होता। तो पहले क्या निकाल ले? पहले 1 रुपये का निकाल लेते हैं। तो 1 रुपये में बेचे जाने पर अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 100/90 रुपये। चलिए आगे हल करते। हमने देखा था कि 1 रुपये में बेचे जाने पर अंकित मूल्य कितना हुआ था? अंकित मूल्य हमें प्राप्त हुआ था, अंकित मूल्य बराबर हमें मिला था 100/90 रुपये। तो अब हमें कितने के लिए ज्ञात करना है? 45 रुपये के लिए, क्योंकि प्रश्न में उसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है 45 रुपये। 45 रुपये में बेची गई तब अंकित मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? हमने एक के लिए निकाल रखा है 100/90, तो 45 के लिए उसमें कितने का गुणा हो जाएगा? 45 का। हल करेंगे, यदि हम इसको हल करते हैं तो 15 के पहाड़े से कर ले, 15 × 6 = 90, 15 × 3 = 45, और फिर 3 के पहाड़े से ये हल हो जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, और 100/2 हमें मिल रहा है, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 50 रुपये। तो हमें क्या मिला? अतः किताब पर छपा मूल्य मिलेगा हमको कितना है? 50 रुपये होगा। इस प्रकार प्रश्न हल हुआ। करके देखें। पहला, 800 रुपये मूल्य की एक साड़ी 15% बट्टे पर बेची जाती है। साड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दूसरा, सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देती है। 1,750 रुपये अंकित मूल्य वाले एक जीन्स और 650 रुपये अंकित मूल्य वाले एक कमीज को खरीदने के लिए
किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तीसरा, माही एक जोड़ी जूते किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1,200 रुपये है तो जूते का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए।